सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीमेल मोबाइल फ़ोन से जीमेल आईडी किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीमेल आईडी को मोबाइल फ़ोन से किस तरह से बनाएंगे, वो भी आसान तरीके से। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आज कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन से जीमेल आईडी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ तबरेज, आप देख रहे हैं तबरेज कैंटीन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको इस तरह से लोगो आपका दिखेगा, यानी जीमेल जीमेल का लोगो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपका लोगो दिखेगा, यानी जीमेल अकाउंट का। कर देने के बाद इस तरह से आपका फाइल ओपन होगा। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एड एनदर अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरह से आपका फाइल ओपन होगा, यानी दिखेगा सेट अप ईमेल, यानी आपको यहाँ पर गूगल पर क्लिक कर देना है। यानी जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका यहाँ पर बताएगा कि चेक इन इन्फॉर्म में हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कर देना है क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि माय सेल्फ, यानी अपने सेल्फ के लिए बनाना चाहते या बिजनेस के लिए बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको माय सेल्फ पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी आप किस नाम से बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। डाल देने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपको पूछेगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद पूछेगा जेंडर, यानी आप फीमेल है या मेल है, आपको यहाँ पर फीमेल यानी मेल कर देना है। मेल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से आपका एक चूज़ योर ईमेल एड्रेस, यानी आप अपने तरीके से जो ईमेल रखना चाहते हैं यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आलम खान राजा और राजा आलम खान, यानी जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर चूज़ कर लिया। उसके बाद पूछेगा यहाँ पर बगल में यूज मोबाइल फ़ोन, यानी यूज मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन यूज करना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट आपको कर देना है। आपका इस तरह से नेक्स्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको मांगेगा पासवर्ड, आप पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हैं आप अपने तरीके से पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने तरीके से पासवर्ड दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। दे देने के बाद आपको यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको पूछेगा, यानी एस्केप आप कीजिएगा तो बैक हो जाएगा। यहाँ पर यस आई एम इन कर दीजिएगा। यस आई एम इन पर क्लिक कर देने के बाद इस तरह से आपका अकाउंट रिव्यू दिखाएगा। आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट आपका बन चुका है। दोस्तों इस तरह से आप अपने ईमेल यानी ईमेल आईडी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर इस चैनल पर इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहूँगा हर रोज़। तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।